हाथरस जिले के विकास खंड के गांव बतेरा तब से चर्चा में आया जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त बिलास जिले की प्राचीर से इस गांव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गांव में आजादी के 75 साल बचाने में, लेकिन अगर आज भारत में देखें तब भी इस गाँव में आज भी बिजली बचाने का काम चल रहा है। बतेरा को डाल दिया है, लेकिन आज भी काम खत्म नहीं हो पाया। बिजली कैसी आ रही है अब? सही ना आ रही, संजा सवेरे लाइट कमती आ रही है, दिन में दे देते हैं जब कबो और दे रहे था ना लाट रोटी पानी के बगता बासे खुशे दिखा और नहाए दो एक उस देखता है। अच्छा, एक साल पहले मोदी ने आगे लिए आदेश किया था तो उसके बाद कोई फर्क पड़ा? हाँ, कछु से देना फर्क पड़ो फिर रह गई वही गत, कछु से देना फर्क पड़ो फिर वही गत रह गई। विद्यालय है? किस नाम से है विद्यालय? पूर्व माध्यमिक विद्यालय। इसमें गांव विद्यालय में बिजली मतलब कनेक्शन मंजूरी हमारे अप्लाई किया है के लिए, मतलब फार्म आवेदन कर दिया। कितना समय हो गया? लगभग एक मिनट दो मिनट से हो गया। यानी अभी इसमें विद्यालय में कनेक्शन नहीं है बिजली का। आपको पता है बिजली मोदी एक साल पहले इस गांव के लिए अपना कैची की बिजली के लिए आया था, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। आवेदन कर दिया है, फार्म भर दिया हमने, कनेक्शन नहीं हो पाया अभी, नहीं हो पाया कुछ। मोदी जी को बयान दिए हुए गांव को एक साल हो गया। एक साल हो गया। क्या व्यवस्था है लाइट की? लाइट के अभी ट्यूबवेल की बात है, लाइन चली है अभी, मेन लाइन अभी चालू नहीं हुई। गाँव में अभी तक बिजली नहीं आई? मेन लाइन से बिजली नहीं है, ट्यूबवेल की सप्लाई से लाइन आ रही है अभी। हाँ, ट्यूबवेल से आ रही है, लेकिन सप्लाई अभी तक जो सुचारू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हाँ, नहीं वो नहीं हुई है अभी। कह सकते हैं बिजली नहीं आई अभी? हाँ कह सकते हैं। आते हैं अधिकारी? अधिकारी अभी कोई नहीं आ रहा फिलहाल में। कनेक्शन घरों में दिए गए सभी में? लगभग रह गए होंगे 10-5 कनेक्शन, लगभग हो चुके हैं। कनेक्शन हो चुके हैं ट्यूबवेल लाइन से ही? हाँ, ट्यूबवेल लाइन से हो रहे हैं। नगला फतेहला को प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद में कितना फर्क पड़ा है? ऐसा है कि गांव में सप्लाई तो पहले से ही यूज कर रहे थे लोग, आसपास के जो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं उनके उनसे कनेक्शन जला रहे थे, लेकिन ये ग्रामीण विद्युतीकरण जो दीनदयाल योजना के अंतर्गत हुआ है अब प्रॉपर वे में सभी लोगों के कनेक्शन उनके जो गाँव की लाइन है उससे हो गए और सभी लोग प्रॉपर अपने घरों पर केबल डाल के कनेक्शन यूज कर रहे हैं अपने गांव की विद्युतीकृत लाइन से। बीपीएल धारकों को मुफ्त कनेक्शन दिए? हाँ, बीपीएल वालों को तो मुफ्त कनेक्शन दिए।